क्या हाल है दोस्तों। वेल आज हम लोग लेने जाने वाले हैं FZX Icon। हमारा बजट है सिर्फ 30,000। सो वॉच दैट। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं, निकल गए हैं एंड हमारा ये नमूना देख ले, इधर देख ले बे। मेरी बेइज्जती करा ये मेरे साथ जा रहे हैं ठंड में, देख लो अपनी बॉडी दिखा रहा हूँ ठंड में बॉडी। हाँ फिलहाल अभी निकल चुके हैं, सीधा जा रहे हैं हम शोरूम की तरफ एंड फिर वहाँ पे मोल भाव करते हैं 25,000 में बाइक लेने का। तो चल 30,000 में, बजट हमारा इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं। तो पहुँचते हैं। पहले शोरूम पे जाने के बाद तो हमारे पॉपट हो गए क्योंकि हमने उनको बोला था कि 4 तारीख को हम लोगों को चाहिए, लेकिन उसके अकॉर्डिंग ही उन लोगों ने अपनी बुकिंग कर रखी है एंड हम आज प्री पोस्टपोन करके 1 तारीख में ले रहे हैं, जिसकी वजह से पंगा। तो अभी हम निकल चुके हैं, शादरा पहुंचे हैं एंड दूसरे सर्विस सेंटर जा रहे हैं बाइक लेने के लिए, क्योंकि फर्स्ट सर्विस सेंटर से तो होप है नहीं आज की बाइक की, और मे भी शायद वहाँ पे हो जाए। अगर वहाँ पे हो जाती है तो हम आज ही उठा लेते हैं, वरना फिर हमें 4 तारीख तक का वेट करना पड़ेगा। तो फिलहाल जो हम करना नहीं चाहते। शोरूम पे जाने के बाद भी हमारा थोड़ा बहुत तो कट चुका है क्योंकि हम पेपर वगैरह जमा करवा चुके हैं, लेकिन यहाँ का फाइनेंसर ही अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से हमारा 1 घंटा बर्बाद हो चुका है। 1 घंटा ज़्यादा भाई, 12 बजे आ गए थे हम, 12:15, 2 घंटे हो गए, 2.5 घंटे बर्बाद हो चुके हैं हमारे। आज का दिन हमारा बिल्कुल सही नहीं जा रहा है, देखते हैं क्या होता है। और इस नमूने को भी बुला लिया हमने वापस, क्योंकि घर छूट गया था पता नहीं क्यों, फिर भी वापस बुला लिया और इसे मेट्रो से भेजेंगे, ट्रिपलिंग तो करेंगे जा रहा है वापस, ट्रिपलिंग करेंगे नहीं हम ऊपर से अभी। और मैं चलाऊंगा बाइक, यस। तो अभी हम खाने निकले थे, कुछ मिला नहीं ठीक सा, एक छोले कुलचे वाले ने अपनी बहुत तारीफ क्रिएट कर रहा था, बहुत हाइप क्रिएट कर रहा था। खाने के बाद मेरे को पता लगा कि यार अपने कुछ भी स्वाद कल्लू छोले वाला ज्यादा बेटर देता है। हाँ और ऐसे हाइप क्रिएट करते उनसे तो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन करनी नहीं चाहिए। सही बात। और किसी भी फूड ब्लॉगर पे गलती से भरोसा मत करना। हाँ नहीं है, पुराने दिल्ली वाले के गीले छोले भटूरे कुलचे बेकार है। जाते हैं हम दोबारा, देखते हैं इन लोगों ने क्या करा अब तक छोटी पांडा के पास। जो एक्सेसरीज वगैरह लगी उसके करीबन 1,000 रुपए, जो प्रसाद वगैरह लगा उसके पैसे, यानी कि सब कुछ मिला के 26,000। आज हम आखिरी गाड़ी से लेकर निकलवा ही चुके हैं, अब आएंगे आपके पास लगातार व्लॉग्स इस चीज़ के, देख सकते हैं बाइक कैसी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका इसका फुल रिव्यू देंगे, बाइक कैसी है, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं एंड क्या क्या चीज़ें इसमें हमारे को मिलती हैं। तो फिलहाल आज के ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स।
तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में बहुत जल्दी, तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो अभी हम जा रहे हैं गाड़ी पार्क करने, तो बुक्स ऑन द रोड एंड ड्रीम्स एंड गुड नाइट।